टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस द प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन मेटल्स। मेटल की प्रॉपर्टी हम लोग पढ़ चुके हैं, नॉन मेटल की प्रॉपर्टीज मेटल की प्रॉपर्टीज की जस्ट अपोजिट होती, ऑलमोस्ट अपोजिट होती। ऑल मेटल्स आर मेलिएबल बट नॉन मेटल्स आर नॉट मेलिएबल। ऑल मेटल्स आर डक्टाइल बट नॉन मेटल्स आर नॉट डक्टाइल। All metals are good conductor of heat and electricity, but the non-metals are does not conduct the electricity. In this manner, the properties of non-metals almost opposite the property of metals. Now we see one by one. First, non-metals are not malleable. Non-metals are not ductile. फर्स्ट मेलिएबिलिटी प्रॉपर्टी, नॉट मेलिएबल। नॉन मेटल्स आर नॉट मेलिएबल, नॉन मेटल मेलिएबल नहीं होते हैं। मेलिएबल की जगह वो क्या होते हैं, ब्रिटिल होते हैं। नॉन मेटल्स आर ब्रिटिल इन नेचर, ब्रिटिलनेस। ब्रिटिलनेस इज द करेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी ऑफ द सॉलिड नॉन मेटल्स। जितने सॉलिड नॉन मेटल होते हैं वो क्या होते हैं, मेलिएबल नहीं होते हैं, लेकिन वो क्या होते हैं, ब्रिटिल होते हैं। ब्रिटिल क्या होता है, अगर किसी सॉलिड नॉन मेटल को फोर्स अप्लाई करते हैं या उसको पीटते हैं, हैमर करते हैं, तो वो थिन शीट में कन्वर्ट होने के बजाय वो क्या होता है, ब्रेक हो जाता है, टूट जाता है। जैसे सल्फर होता है, फास्फोरस होता है, ये सब इजीली फोर्स लगाने में क्या हो जाते हैं, ब्रेक हो जाते हैं। तो ये जो ब्रेक होने की, टूटने की जो प्रॉपर्टी होती है उसे क्या कहते हैं, ब्रिटिल और ब्रिटिलनेस। दिस इज द ब्रिटिलनेस प्रॉपर्टी, मेटल्स आर ब्रिटिल। सेकेंड, नॉन मेटल्स आर नॉट डक्टाइल। All metals are ductile, but non-metals are not ductile. Not ductile. Non-metals are brittle. Ductile by stretching the property who convert the metals into thin wire. किसी भी मेटल को जो स्ट्रेच करते हैं, फोर्स अप्लाई करते हैं, तो क्या होता है, थिन वायर में कन्वर्ट होता है, लेकिन नॉन मेटल क्या होता है, ब्रिटल होता है, ये ब्रेक हो जाता है, टूट जाता है। किसी जैसे सल्फर के पीस को फोर्स लगाएंगे या स्ट्रेच करेंगे तो क्या हो जाएगा, वो इलॉन्ग बढ़ने के बजाय क्या हो जाता है, टूट जाता है, ब्रेक हो जाता है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी, नॉन मेटल्स आर बैड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। नॉन मेटल्स आर बैड कंडक्टर किसके होते हैं, हीट के और इलेक्ट्रिसिटी के। ऑल नॉन मेटल्स आर बैड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, बट ग्रेफाइट इज अ एक्सेप्शन। ग्रेफाइट इज अ नॉन मेटल, बट इट इज अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। डायमंड इज अ नॉन मेटल, बट इट इज अ गुड कंडक्टर ऑफ हीट। डायमंड हीट क्या होते हैं, किससे बनते हैं, कार्बन से। कार्बन के क्या हैं, इलेक्ट्रॉप्स हैं, इलेक्ट्रॉप्स हम लोग आगे पढ़ेंगे। तो कार्बन के इलेक्ट्रॉप से ग्रेफाइट भी बनता है और डायमंड भी बनता है, लेकिन कार्बन क्या है, नॉन मेटल है, लेकिन जो ग्रेफाइट होता है वो क्या होता था, इलेक्ट्रिसिटी का गुड कंडक्टर होता है, इलेक्ट्रिसिटी पास होती है। इसी तरह से जो डायमंड होता है वो हीट का क्या होता है, गुड कंडक्टर। यहाँ पर एक्सेप्शन हमें याद रखना है, कौन सा है, ग्रेफाइट।
ग्रेफाइट इज अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड डायमंड किससे बनते हैं सर? कार्बन से बनते हैं। नेक्स्ट प्रॉपर्टी, नॉन मेटल्स आर, मेटल्स आर लस्चरस बट नॉन मेटल्स आर नॉट लस्चरस, ना शाइनी, जितने डल होते हैं इनका अपीयरेंस क्या होता है, डल होता है। जैसे मेटल होते हैं शाइनी करते हैं, चमक होती है उसमें, लेकिन नॉन मेटल क्या होते हैं, डल होते हैं, उतने उसमें उतनी चमक नहीं होती। जैसे सल्फर होता है, फास्फोरस होता है, ये सभी क्या होते हैं, डल होते हैं, उतनी चमक नहीं होती है। लेकिन आयोडीन जो होता है वो लस्टरस अपीयरेंस रहता है उसका। आयोडीन नॉन मेटल है लेकिन वो कैसा होता है, चमकदार होता है। तो आयोडीन यहाँ पे ऑल नॉन मेटल आर नॉट लस्टरस। एक्सेप्शन क्या है, एक्सेप्शन हमें याद रखना है, एक्सेप्शन क्या है, आयोडीन, आयोडीन इज ए आयोडीन हैविंग लस्टरस अपीयरेंस। नेक्स्ट, नॉन मेटल्स आर जनरली सॉफ्ट। मेटल्स क्या होते हैं, हार्ड होते हैं, लेकिन नॉन मेटल क्या होते हैं, सॉफ्ट होते हैं। नॉन मेटल्स आर जनरली सॉफ्ट, लेकिन एक्सेप्शन क्या है, डायमंड। मेटल क्या होते हैं, हार्ड होते हैं, नॉन मेटल क्या होते हैं, सॉफ्ट होते हैं, लेकिन डायमंड क्या है, एक्सेप्शन। डायमंड इज द हार्डेस्ट नेचुरल सब्सटेंस, हार्डेस्ट नोन नेचुरल सब्सटेंस, डायमंड इज द हार्डेस्ट नोन नेचुरल सब्सटेंस। डायमंड क्या होता है, जितने जो नेचुरल सब्सटेंस हैं उनमें सबसे हार्डेस्ट, सबसे हार्ड होता है, क्या होता है, डायमंड। डायमंड क्या है, नॉन मेटल है, लेकिन फिर भी वो सबसे हार्ड होता है, जितने नेचुरल सब्सटेंस उनमें सबसे हार्ड किसको माना जाता है, डायमंड। डायमंड इज हार्डेस्ट। हार्डेस्ट नॉन नेचुरल सब्सटेंस। जो मेटल होते हैं इजीली क्या होते हैं, सॉफ्ट होते हैं, उनको नाइफ से कट कर सकते हैं, लेकिन जो डायमंड होता है क्या होता है, हार्डेस्ट होता है, मेटल से भी हार्ड होता है। नेक्स्ट, नॉन मेटल्स आर नॉट स्ट्रांग, दे हैव लो टेंसाइल स्ट्रेंथ। तो जस्ट अपोजिट है, मेटल क्या होते हैं, हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ। टेंसाइल स्ट्रेंथ क्या होती है, अगर किसी मेटल को, ये मेटल है, इधर इधर दोनों तरफ से हम क्या करें, फोर्स अप्लाई करें, तो फोर्स, काफ़ी फोर्स बियर कर सकता है बिना ब्रेक हुए, मेटल अगर होगा। लेकिन नॉन मेटल है तो क्या हो जाएगा, ब्रेक हो जाएगा। अगर कोई फास्फोरस का पीस है या सल्फर का पीस है या कार्बन है, इधर इधर से फोर्स लगाएंगे तो फोर्स लगाने पे क्या हो जाएगा, ये ब्रेक हो जाएगा यहाँ से। नॉन मेटल्स मे बी सॉलिड लिक्विड एंड गैस एट द रूम टेम्परेचर। नॉन मेटल्स क्या हो सकते हैं, सॉलिड हो सकते हैं, लिक्विड हो सकते हैं, और गैस फॉर्म में भी होते हैं रूम टेम्परेचर 25 डिग्री पे। जैसे फास्फोरस, सल्फर, ये सभी कार्बन, ये सभी क्या होते हैं, नॉन मेटल होते हैं लेकिन सॉलिड होते हैं। तो नॉन मेटल सॉलिड भी हो सकते हैं, तीनों स्टेट में एग्जिस्ट करते हैं, लिक्विड भी हो सकते हैं और गैसेस भी हो सकते हैं, तीनों फॉर्म में। जैसे सिंबल हम राइट करें, फास्फोरस, सल्फर, कार्बन, लिक्विड। लिक्विड कौन सा नॉन मेटल होता है, ब्रोमीन इज अ लिक्विड नॉन मेटल, बी आर फॉर ब्रोमीन। ब्रोमीन ऐसा नॉन मेटल है जो कि किस फॉर्म में होता है, लिक्विड फॉर्म में होता है। गैसियस फॉर्म में बहुत सारे नॉन मेटल होते हैं, आप लोगों को पता है, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन के बारे में सब लोग जानते हैं, नाइट्रोजन, क्लोरीन, बहुत सारे नॉन मेटल जो गैसियस फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। तो नॉन मेटल सॉलिड भी होते हैं, लिक्विड भी होते हैं और गैसियस फॉर्म में भी एग्जिस्ट करते हैं। नॉन मेटल्स हैव कंपैरेटिवली लो मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट, क्योंकि ये उतने हार्ड नहीं होते इसलिए इनका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, लो होता है।
मेटल हार्ड होते हैं जिससे उनका मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है हाई होता है। केवल ग्रेफाइट जो होता है उसका मेल्टिंग पॉइंट जो होता है हाई होता है ग्रेफाइट का। ग्रेफाइट एक्सेप्शन है, इसको याद रखना है, ये गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी भी होता है और इसका मेल्टिंग पॉइंट भी हाई होता है, ऑलमोस्ट 3007 डिग्री के आसपास, 3007 डिग्री सेंटीग्रेड इसका क्या होता है मेल्टिंग पॉइंट। इसका मेल्टिंग पॉइंट कितना होता है 3700 डिग्री। तो ग्रेफाइट जो होता है उसका नॉन मेटल है, लेकिन इसका बाकी जो सल्फर होते हैं इन सब का मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है काफ़ी लो होता है। नॉन मेटल साइड लो डेंसिटीज, इनकी डेंसिटी क्या होती है लो डेंसिटीज होती है। लो डेंसिटी होती है क्योंकि ये सॉफ्ट होते हैं इसलिए इनकी डेंसिटी क्या होती है लो होती है। मॉलिक्यूल्स जो होते हैं उतने पास पास नहीं होते। डेंसिटी का सीधा सीधा मतलब क्या है, अगर मॉलिक्यूल के अरेंजमेंट के बेस पे देखें, अगर यहाँ पे दो इस तरह से, अगर यहाँ पे मॉलिक्यूल्स बहुत पास पास हैं उनके बीच में डिस्टेंस कम है तो जो सब्सटेंस उसकी डेंसिटी क्या होगी हाई होगी। लेकिन अगर इस तरह से है मॉलिक्यूल्स दूर दूर हैं उनकी डेंसिटी क्या हो जाएगी कम हो जाएगी। एक गिवन वॉल्यूम में अगर मास कम है तो डेंसिटी कम होती है, मास ज़्यादा है तो डेंसिटी ज़्यादा होती है। नॉन मेटल्स सोनोरस नहीं होते, नॉट सोनोरस। मेटल्स बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं, सोनोरस होते हैं, रिंगिंग साउंड प्रोड्यूस करते हैं अगर उनको हम बीट करते हैं। जैसे स्कूल में लोहे की जो बेल होती है उसको पीटते हैं तो क्या करती है साउंड करती है, लेकिन नॉन मेटल क्या करते हैं रिंगिंग साउंड प्रोड्यूस नहीं करते हैं, ये नॉन सोनोरस होते हैं। नॉन मेटल साहब मेनी डिफरेंट कलर्स, नॉन मेटल का जो कलर होता है काफ़ी अलग अलग होता है, डिफरेंट कलर्स के होते हैं नॉन मेटल्स। सल्फर जैसे फास्फोरस वाइट कलर का होता है, रेड फास्फोरस भी होता है, ब्लैक फास्फोरस, इसी तरह से ग्रेफाइट ब्लैक कलर का होता है, क्लोरीन जो है कुछ येलो कलर की, लोरिस कुछ येलो ग्रीन कलर की गैस होती है, ब्रोमीन जो है रेड ब्राउन कलर की गैस होती है, सल्फर येलो होता है, सल्फर सल्फर का कलर कैसा होता है येलो होता है, ब्रोमीन ये ब्रोमीन का सिंबल है, ब्रोमीन गैस का कलर कैसा होता है रेड ब्राउन होता है। इस तरह से जो नॉन मेटल्स होते हैं वो डिफरेंट डिफरेंट कलर के होते हैं, डिफरेंट डिफरेंट कलर शो करते हैं। तो हमारे आसपास जो भी सब्सटेंस है वो ऑलमोस्ट ज़्यादातर क्या होते हैं मेटल होते हैं या फिर नॉन मेटल। वैसे जो हमारी लाइफ है नॉन मेटल, विदाउट नॉन मेटल पॉसिबल नहीं है, क्योंकि हमें पता है हम जब ऑक्सीजन को क्या करते हैं, ऑक्सीजन क्या है हमारा लाइफ साइकिल कंप्लीट करता है, बिना ऑक्सीजन के लाइफ पॉसिबल नहीं है, और ऑक्सीजन क्या है नॉन मेटल है। ओके मेटलाइट्स नेक्स्ट क्लास में।